लास्ट के 60 डेज है, बहुत सारे लोग तुम्हें आके स्कैम बेचेंगे, 60 दिन रह गए, कैसे होगा, पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, और पता नहीं क्या क्या मोटिवेशंस तुम लोगों को मिलने वाली है। यार मैं तुम्हें जेन्युइनली बताती हूँ, ये सब कुछ भी नीडेड नहीं है, ये जस्ट एक 10th का एग्जाम है जिसमें मैं तुम्हें अभी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर उसके बाद कैसे पढ़ना है और फिर कैसे रिवाइज करना है, ये तीनों चीज़ें बता दूंगी। और मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रही हूँ भाई, 80% टॉपर्स जो होते हैं सब अभी लास्ट के 2 महीने में ही सीरियस होकर पढ़ेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं ना, कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें तुम्हें स्पेशल मोटिवेशन लगे कि अब नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो मार्क्स नहीं ला सकते। भाई पूरा का पूरा पेपर प्रिडिक्टेड होता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन आ रहा है, इस सेक्शन से ये क्वेश्चन आ रहा है। पूरा का पूरा पेपर स्मार्ट स्टडीज पे बेस्ड होता है जो बच्चे समझ नहीं पाते। 3 पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी किन चैप्टर्स को तुम्हें पहले पढ़ना है इस कम टाइम में। दूसरा मैं तुम्हें बताऊंगी कि पढ़ाई कैसे करनी है लास्ट टाइम में। अब बेटा वो टाइम नहीं है कि एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन पढ़ोगे। और तीसरा है कि जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कैसे करना है टाइम निकाल के। तो 3 स्टेप्स में वीडियो डिवाइडेड है, तो प्रॉपर तरीके से देखना। तो सबसे पहले यार मैं तुम्हें एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूं जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है और जो बोर्ड एग्जाम्स में जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने वाले टाइम में 20-25 दिन में आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करके चलना है ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सको। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं, तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर तुम देखोगे लाइट का 10 से 11 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस एक सिंगल चैप्टर से आते हैं। दूसरा देखो कि इलेक्ट्रिसिटी 8 to 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही मैंने सबके आगे उनका वेटेज लिख दिया है। तो ये 7 चैप्टर्स आपको अपने अभी या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या एक नोटबुक लेके जो बैठे हो उसमें लिख लो कि ये 7 चैप्टर्स आपको सबसे पहले सॉल्व करने, इसमें से कोई भी चैप्टर उठाओ और इसको सॉल्व करो। यार सोशल साइंस की, सोशल साइंस में हिस्ट्री के ये 3 चैप्टर्स, पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। एक और चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ते, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ के जाते जो लास्ट सोशल का चैप्टर है, लेकिन फिर भी पूरे मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि चॉइसेस होती है चैप्टर्स के बीच में भी। कई बार ऐसा होता है कि आपके 2 क्वेश्चंस हैं तो एक दूसरे चैप्टर का, एक दूसरे चैप्टर का चॉइस मिलती है आपको। सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म करना है। इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये ऐसे चैप्टर्स हैं अगेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप कोई दूसरे चैप्टर्स पढ़ो, मैं आपको रिकमेंड करूंगी बेटा आप लोग इन चैप्टर्स को पढ़ो, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं यार मैथ्स की। पॉलीनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सर्कल्स एंड ट्रायंगल, ये ऐसे 5 चैप्टर्स हैं अगेन जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं और मोर देन 50% आपका जो मैथ्स का एग्जाम है वो यहीं से ही पूछा जाता है। अब बात जो है वो नेक्स्ट चीज की है कि अब अगर हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्या, तो उनको पढ़ना कैसे है। पहले 1 शॉर्ट वीडियो देखें, अगर देख रहे हैं तो फिर नोट्स कब बनाए, हमने कुछ नोट्स नहीं बनाए, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताती हूं, बट एक छोटी सी अपडेट के बाद। सो बेसिकली वेदांतु अपना MVSAT ऑर्गेनाइज करवा रहा है जो एक ऑफलाइन एग्जाम है जिसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है up to 100%, जिसमें 8th to 12th और साथ में वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो नीट और JEE को फ्यूचर में टारगेट करना चाहते हैं वो सारे बच्चे ये स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं। तो यार ये एक ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप 9th और 10th ऑफ दिसंबर को इनमें से किसी भी एक ऑफलाइन सेंटर में जाके पेपर दे सकते हो। एक और चीज़, ये बिल्कुल फ्री है, आपके लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं है। अब आपको मिलेगा क्या क्या, क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं, अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो आप 5 डे का पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम करते हो विद इसरो ट्यूटर्स। दूसरा, आपको एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलती है up to 100% आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज में। तीसरा है यार, आप ड्रोन्स, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस और बहुत सारी चीजें जीत सकते हो, और आपको 3 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा वेदांतु डाउट ऐप का, साथ के साथ ऑल इंडिया रैंक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री है तो आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा यार, अगर आप ये टेस्ट देने जाते हो तो 2 गिफ्ट्स तो डेफिनेटली अश्योर्ड है। पहला है कि आपको 10% स्कॉलरशिप तो डेफिनेटली मिलेगी।
दूसरा आपको एक वेदांतों का मिनी स्टडी पैक भी मिलेगा। ये टेस्ट कौन कौन से ऑफलाइन सेंटर्स पे हो रहा है, इन सब की डिटेल्स नीचे इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी और आप वहीं उस लिंक पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, तो जाओ और इसे अप्लाई करो। अब बारी आती है कि पढ़ाई कैसे करनी है। पहला स्टेप है, तीन में से एक चीज करो, या तो वन शॉट वीडियो देख लो यूट्यूब लगा के किसी भी चैप्टर की, या तो नॉर्मल एनसीईआरटी रीड करो। कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी रीड करना पसंद करते हैं, उन्होंने कुछ कुछ लिखा होता है, तो आप वो भी कर सकते हो कि आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया लेकिन थोड़ी स्पीड में। तीसरा आप ये कर सकते हो कि किसी फ्रेंड से पढ़ लिया या किसी टीचर से पढ़ लिया, तीन में से कोई भी एक मेथड, कि या तो भाई आपने वन शॉट वीडियो देख लिया, या आपने किसी फ्रेंड से पढ़ लिया कि भाई मेरे को चैप्टर पढ़ा दे, या फिर आपने क्या कर लिया, नॉर्मल एनसीईआरटी को रीड कर लिया। अब ये तीनों करते हुए तुम्हें एक चीज साथ साथ में करनी है, वो है वन पेज नोट्स। साथ साथ में तुम्हें वन पेज नोट्स बनाते जाने हैं। ठीक है भाई, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, अब वो टाइम नहीं है कि तुम पूरी पूरी डेफिनेशन लिखो, बेटा इतना टाइम नहीं है। वो सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। तुम्हें बस अब वन पेज नोट्स बनाने हैं। ये वो नोट्स हैं जो आप बोर्ड एग्जाम से पहले फाइनल नोट्स होंगे, जिसको तुम पलट रहे होगे। 20-20 25-25 पेज के एक चैप्टर के नोट्स तुम नहीं बनाने वाले। अब तुम्हें क्या करना है, वन शॉर्ट नोट्स बनाने, माइंड मैप्स डायग्राम्स करके वन पेज नोट्स बनाओ। जितना शॉर्ट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन रख सकते हो उसको रख लो। जैसे ही तुम्हारा ये वन पेज नोट्स बन गए, ये काम करते करते तुरंत थर्ड चीज पे आ जाना है, वो है क्वेश्चंस लगाने। तुमने एक चैप्टर पढ़ा, तुमने साइंस का बिल्कुल दमदार चैप्टर पढ़ा, तुम्हें सब कुछ आ गया, बेटा एग्जाम में चैप्टर नहीं लिख के आना, एग्जाम में लिख के आने क्वेश्चन आंसर्स। जैसे ही तुमने अपना चैप्टर खत्म किया, इनमें से फिर अगेन कुछ करो, या तो तुम पिछले 5 साल के पेपर से वो पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस राउंड राउंड करके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरा, तुम्हें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने, स्पेशली मैथमेटिक्स में जितने भी एग्जाम्पलर्स हैं वो डेफिनेटली सॉल्व करने। तो ये हो गया पढ़ाई का तरीका, वन शॉट वीडियो देख लिया फट से, तुरंत से वन पेज नोट्स बना लिए, उसके तुरंत बाद आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में जितने भी 5 साल में उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उसको सर्कल करके सॉल्व कर दिया। अब ये तो हो गई पढ़ाई की बात, अब रिवाइज कैसे करोगे। रिवाइज करने का मैं तुम्हें बहुत ही अमेजिंग तरीका बताती हूँ, क्योंकि यूजुअली तुम्हारा पढ़ने में मोस्टली टाइम चले जाएगा तो रिवाइज करने का टाइम नहीं बचता, तो मैं तुम्हें एक टेक्निक बताती हूँ। पहली चीज रिवाइज करने की क्या है, तुम यार एक काम करो, 3 से 4 दोस्तों का ग्रुप बना लो और जूम या गूगल मीट पे लिंक भेज करके कि भाई आज ये पर्टिकुलर चैप्टर है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ लेना, आज हम इसको बैठ के रिवाइज करेंगे। 4 लोग आए, 45 मिनट्स का सेशन हुआ, एक चैप्टर रिवाइज होके साइड हो गया, जिंदगी में नहीं भूलने वाले, क्योंकि तुम बात बात में पढ़ोगे तो तुम्हें वो चीज लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी। एट द सेम टाइम जब 4 लोग चीजों को डिस्कस करते हैं तो वो ज्यादा टाइम के लिए रिवाइज होती है। तभी ये मैंने तुम्हें पहला स्टेप नहीं बताया कि पढ़ाई ऐसे करो, क्योंकि पढ़ाई ग्रुप में नहीं हो सकती, तो पढ़ने के बाद 4 लोग मिलकर रिवाइज ऐसे कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, क्योंकि अभी मैटर ये करता है कि हम कब तक याद रख पाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, किसी दोस्त को पढ़ा देना, ठीक है, और 2 बार अगर तुमने एक चैप्टर को किसी को भी पढ़ा दिया, तुम्हें वो चैप्टर 100% आ ही जाएगा, ये चीज की गारंटी है। अब तीसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करती थी ना, यूजुअली ऑडियो रिकॉर्ड्स करती, जैसे सोशल साइंस के चैप्टर्स हैं, आपने नेशनलिज्म पढ़ा, आपने साथ के साथ जो वन पेज नोट्स बनाए उसको देखते देखते ऑडियो रिकॉर्ड कर दी कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। वो ऑडियोज बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत टाइम बचाएंगी। अब जब कभी भी तुम्हें रिवाइज करना है ना, तुम एक्टिव रिविजन की जगह पैसिव रिविजन कर सकते हो, तुम वो ऑडियोज लगा के छोड़ सकते हो और तुम्हें वो चीज रिवाइज होती रहेगी। तो ये 3 तरीके हैं जिससे तुम बहुत अच्छे से रिविजन कर सकते हो। तो मैंने अभी के लिए तुम्हें ये सारी चीजें बता दी हैं। आपको बेटा और कोई भी डाउट है, और अगर आपको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले तो यार वेदांतो कंडक्ट करवा रहा है MVSAT, बेसिकली एक स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है जो ऑफलाइन होने वाला है 9th और 10th ऑफ दिसंबर को। आप इसमें फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। ये टेस्ट कोई भी स्टूडेंट दे सकता है 8th से 10th क्लास का, और साथ में पे
भाई ये क्या हो गया।